संग्राम बीजेपी में हो गई टिकट की जंग तेज। टिकट की दावेदारी में जुड़ गए कई नए नाम। बीजेपी से टिकट की दावेदारी में जुड़े चौंका देने वाले नए नाम। गुरुग्राम में पंजाबी, बनिया और ब्राह्मण दावेदार ठोक रहे हैं टिकट की दावेदारी। गुरुग्राम में नए उम्मीदवारों से रोचक हुआ टिकट दावेदारी का दावा। मौजूदा विधायक के खासम खास का भी नाम टिकट की दावेदारी में शामिल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए एक बार फिर बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की, और इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव में गुरुग्राम से बीजेपी की टिकट किसे मिलेगी। लेकिन उससे पहले ये बात करना और समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार बीजेपी की टिकट से दावेदार कौन कौन है, कौन सा दावेदार ज्यादा मजबूत है और किसका दावा सबसे कमजोर है। और इस सब के बीच चौंका देने वाली बात यह सामने आ रही है कि इस दावेदारी में अब कुछ और भी नाम जुड़ रहे हैं। इन्हीं नामों में एक नाम है मौजूदा विधायक सुधीर सिंगला के खासम खास का। तो क्या मौजूदा विधायक सुधीर सिंगला, जिनको लेकर ये लगातार चर्चाएं हैं कि इस बार का चुनाव वो नहीं लड़ने जा रहे हैं, तो वो अपनी जगह किसी अपने खास को ये टिकट दिलवाने के लिए जोर लगा रहे हैं? और अगर ऐसा है तो बाकी जो दावेदार कतार में है उनका क्या कुछ होगा? ये तमाम वो समीकरण है जो गुरुग्राम में बीजेपी की टिकट की दावेदारी पर बन और बिगड़ रहे हैं। गुरुग्राम विधानसभा को समझे तो यहाँ पर बनिया और पंजाबी दावेदार सबसे ज्यादा है, लेकिन ब्राह्मण दावेदार भी पीछे नहीं है। बीजेपी की टिकट मांगने में दो ब्राह्मण नेता भी सबसे आगे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से वो दावेदार हैं जो इन बिरादरियों से जुड़े हुए हैं और बीजेपी की टिकट की मांग कर रहे हैं। इसके बाद आपको वो नए नाम भी बताएंगे जो कहीं ना कहीं चौंका देने वाले हैं। शायद एक बार को इन नामों पर किसी को भरोसा ना हो, लेकिन आपको बता दें कि खबर अंदर की है, और अंदर की जो खबर है उसके मुताबिक ये नए नाम बाकियों का गणित और समीकरण बिगाड़ सकते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं बनिया बिरादरी की। तो बनिया बिरादरी से जो दावेदारी है मौजूदा विधायक सुधीर सिंगला, क्योंकि सिटिंग एमएलए है तो ऐसे में उनका नाम इसमें होना जरूरी है। खैर, वो अपनी तरफ से या उनके समर्थकों की तरफ से ये बात जरूर आ रही है कि वो इस बार का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। इसके बाद अगला नाम आता है नवीन गोयल का, उसके बाद सुभाष सिंगला। ये तमाम वो नेता हैं जो बनिया बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं और गुरुग्राम विधानसभा से बीजेपी की टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। इनमें से किस पर बीजेपी भरोसा जताएगी और टिकट देकर चुनाव के मैदान में उतारेगी, ये तो खैर लिस्ट आने के बाद ही साफ होगा। लेकिन इसके साथ पंजाबी नेता भी लगातार अपना दावा ठोक रहे हैं। पंजाबी नेताओं में वो कौन कौन से दावेदार हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इसमें गार्गी कक्कड़, यशपाल बत्रा, बोधराज सीकरी और हरविंदर कोहली के अलावा भी कई और दूसरे नेता शामिल हैं। तो बनिया और पंजाबी बिरादरी के बाद ब्राह्मण बिरादरी से दो नेता हैं जो इस दावे में सबसे आगे हैं, जिसमें जीएल शर्मा और मुकेश शर्मा का नाम शामिल है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि जो ये लिस्ट है और इस लिस्ट में शामिल ये दावेदार किसकी किस्मत खुलती है। लेकिन अब इसके साथ जो दो नए नाम सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। एक नाम जिसका जिक्र हम इससे पहले ही कर चुके हैं, जो कि पंजाबी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, संत हैं और न केवल गुरुग्राम बल्कि हरियाणा भर में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं, वो है स्वामी धर्मदेव। स्वामी धर्मदेव का भी नाम गुरुग्राम विधानसभा से तेजी से चल रहा है और ये माना जा रहा है कि इस दौड़ में वो काफी मजबूत दावेदार हैं। लेकिन वो कितने मजबूत दावेदार हैं और इस दावेदारी के साथ उन्हें टिकट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये तो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 2019 के चुनाव में भी वो इसी तरह से दावेदारी ठोक रहे थे और ये दावेदारी भी काफी मजबूत बताई जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने उनका टिकट काटते हुए सुधीर सिंगला को अपना उम्मीदवार बनाया था। अब लेकिन इसी कड़ी में एक नया नाम भी जुड़ गया है और ये नया नाम आपको अच्छा खासा चौंका सकता है। ये व्यक्ति मौजूदा विधायक सुधीर सिंगला के खास बताए जाते हैं। इसके अलावा आरएसएस में भी इनकी अच्छी खासी मजबूत पकड़ है, और यही मजबूत पकड़ और मौजूदा विधायक सुधीर सिंगला के साथ नजदीकी क्या इस व्यक्ति को टिकट दिला सकती है? क्या ये बीजेपी के लिए एक वो चौंका देने वाला या सरप्राइजिंग कैंडिडेट हो सकता है जिस तरह से सुधीर सिंगला 2019 के चुनाव में हुए थे? क्योंकि उस दौरान भी एक लंबी चौड़ी कतार थी जो टिकट की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इन तमाम नेताओं के टिकट बीजेपी ने 2019 में काट दिए थे और सुधीर सिंगला को उम्मीदवार बनाकर चुनाव मैदान में उतार दिया था, और सुधीर सिंगला ने 2019 का यह चुनाव जीत भी लिया था। लेकिन अब 2024 का रण अलग है और इस रण का समीकरण भी बिल्कुल अलग है, और इसी समीकरण और इसी रण से फिलहाल सुधीर सिंगला दूर रहना चाहते हैं, जिसकी चर्चाएं चल भी रही है। तो ऐसे में मौजूदा विधायक सुधीर सिंगला इस सब के बीच कोई नया खेल खेल सकते हैं,
जिसमें टिकट की दावेदारी में ये जो लंबी कतार है ये पीछे छूट जाए और उनके खास सामने आ जाए। और अगर ऐसा होता है तो इन तमाम नेताओं के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका होगा, क्योंकि ये तमाम नेता आज से नहीं सालों साल से तैयारी कर रहे हैं, पार्टी से लेकर खुद को ग्राउंड पर मजबूत करने में जोर लगाए हुए हैं। और ऐसे में अगर इतनी मेहनत करने के बावजूद इन नेताओं में से किसी को भी टिकट नहीं मिलती है और कोई नया नाम सामने आता है तो जाहिर सी बात है मोराल, भरोसा, विश्वास, आत्मविश्वास, तमाम चीजें टूट जाएगी। और अगर ये टूटी और बिखरी तो क्या इसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है? क्योंकि 2019 और 2024 में फर्क बहुत ज्यादा आ चुका है। उस दौरान जो सरप्राइज दिया था उस सरप्राइज को शायद इन तमाम नेताओं ने एक्सेप्ट कर लिया था या हजम कर लिया था इस उम्मीद में कि चलिए इस बार नहीं तो 2024 में ही लॉटरी लग जाएगी। लेकिन अगर इस बार भी ये लॉटरी खाली गई तो क्या ये तमाम नेता टूट जाएंगे? और अगर ये टूटे तो क्या गुरुग्राम में बीजेपी टूटकर पूरी तरह से बिखर सकती है? खैर ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन अब ज्यादा देर किए बगैर आपको बताते हैं कि वो सरप्राइजिंग एलिमेंट है क्या, वो कौन सा नाम है जो आप सबको चौंका सकता है। पहला नाम जो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, स्वामी धर्मदेव, जो कि पंजाबी बिरादरी से आता है। अब ये दूसरा नाम बनिया बिरादरी से है, ये कोई और नहीं सुधीर सिंगला के खास बताए जाने वाले राम अवतार गर्ग उर्फ बिट्टू हैं। राम अवतार गर्ग उर्फ बिट्टू आरएसएस से जुड़े हुए हैं और ऐसे में यही एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि राम अवतार गर्ग की लॉटरी यहां पर लग सकती है। तो आपको क्या लगता है बीजेपी को इन तमाम नेताओं को छोड़कर जो पिछले कई सालों से अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं एक नए चेहरे को आगे करना चाहिए? हमें कमेंट्स कर अपनी राय जरूर दें। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज़।